हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये भी एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है और इसका मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, इसमें जो मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो ये लेके आई हूँ मैं एक ट्रिमर। ये वुमेंस ट्रिमर है और इसका जो नाम है लाइफ लॉन्ग ग्रूमिंग मेक इट पॉसिबल। ये वुमेंस ट्रिमर और इसका जो पूरा नाम है वो सॉफ्ट टच रिचार्जेबल मल्टी ट्रिमर फॉर वुमेंस। ठीक है, तो गाइज़ ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। और यहाँ पे जो हमें अटैचमेंट्स मिली हैं वो है फेशियल ट्रिमर, फेस के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको क्लीन करने के लिए। आईब्रो ट्रिमर, इसमें आईब्रो ट्रिमर दे रखा हुआ है। बिकनी ट्रिमर और उसके साथ ही अटैचर दे रखा है जिसमें आपको इन सारी चीज़ों को अटैच करके यूज़ करना है। तो आपको मैं इसके जो थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं वो दे देती हूँ। तो गाइज़ ये 60 मिनट यूज़ टाइम है। अगर आप इसको एक बार चार्ज करोगे तो आप इसे 60 मिनट यूज़ करोगे। रिचार्जेबल है, आप इसे चार्ज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वाटरप्रूफ हेड्स हैं। यूएसबी केबल प्रोवाइडेड है, इसके साथ आपको यूएसबी केबल मिलेगी। और तो बाकी जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसका नाम जो ये है सॉफ्ट टच रिचार्जेबल मल्टी ट्रिमर फॉर अ वुमेंस। मल्टी ट्रिमर है, वाइट कलर का है, 1 ईयर गारंटी है, 1 यूनिट है और 0.1 kg वेट है इसका। और इसकी जो MRP दे रखी है वो 1200 रुपये दे रखी है, बट ये मुझे जो है वो 840 रुपये के अप्रॉक्स पड़ा है। तो गाइज़ इसका मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि आपको इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक का ऐसा बना हुआ है। इसके साथ आपको ये चार्ज जो केबल मिलेगी वो ये है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। सेकंड, इसके साथ कुछ इस तरीके से ब्रश है अगर आपको इसको क्लीन करना होगा यूज़ करने के बाद, तो उसके लिए है इस तरीके से चीज़ें। जो मेन अटैचमेंट है उसकी ये है जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही फेशियल ट्रिमर अटैच कर रखा है। इस तरीके से आप उसको निकालेंगे, इस तरीके से आप इसे अटैच कर देंगे। आपको जो भी इसका पार्ट यूज़ करना है, अटैचमेंट यूज़ करनी है, आप उसे इस तरीके से निकालें और यहाँ पर अटैच कर दें। इस तरीके से ये अटैच हो गया है। तो मैंने ये अटैच, मैंने इसका यूज़ ज़्यादा किया है फेशियल जो है ट्रिमर, इससे फेस के जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उसको रिमूव करने के लिए। ऑल्दो मैंने फेस के हेयर इससे रिमूव नहीं किए, मैंने इसे सिर्फ हैंड पे ट्राई किया हुआ है। और इसका जो आईब्रो ट्रिमर है वो ये है, आप इसे अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। गाइस, आईब्रो ट्रिमर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो ट्रिमिंग में तो प्लीज़ आप इसे यूज़ मत करना, वरना आपकी आईब्रो की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैंने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। और नेक्स्ट जो है इसका वीकनी वैक्स, मैंने उसे भी यूज़ नहीं किया है। वीकनी रिमूवर जो है वो उसे भी मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसमें एक ही यूज़ किया है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि गाइज़ ये यूज़लेस है, आप इस पर पैसे इन्वेस्ट मत करिए। ऑल्दो मैंने इसको सिर्फ लॉकडाउन की वजह से लिया था, बट मुझे अब ये लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपको भी बोलूँगी आप इसे यूज़ मत करिए। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो ट्रिमिंग में तो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप इससे आईब्रो भी अपनी ट्रिम कर सकते हो, फेशियल हेयर्स भी हटा सकते हो और बाकी अदर बॉडी पार्ट्स के हेयर्स भी आप रिमूव कर सकते हो, बट आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो गाइज़ ये मेरा छोटा सा रिव्यू था इस वीडियो को लेके। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया। तो चलिए गाइज़ देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज़ इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 0 और 1 लिखा हुआ था। 0 का मतलब जो है ना ये ऑफ है, और जैसे ही मैं 1 की तरफ इसको करूँगी ये ऐसे ऑन हो जाएगा। ये देखिए इसमें हल्का सा साउंड भी आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। और इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप अपने हाथ पे लेके, देखिए मेरे हाथ पे अगर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ वैसे तो नहीं है, अगर होगी तो आप उसको ऐसे यहाँ से हटा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप अपनी बॉडी के ना जो भी हेयर ग्रोथ उसे हटा सकते हैं इस तरीके से। मुझे तो ना सिर्फ इसका यही एक जो है यही मुझे यूज़फुल लगा, मैंने इसी को यूज़ किया है, बाकी दोनों तो मैंने यूज़ नहीं किया है। अदरवाइज़ मैंने आईब्रो का एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी बट नहीं हुआ मेरे से। तो गाइस इसका ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हो आईब्रोज ट्रिम करने में या बॉडी के अदर हेयर्स जो है ना वो ट्रिम करने में, तो आप इसे ले सकते हो।
अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है इसका, ये एकदम मतलब यूज़लेस है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ क्योंकि हम ज़्यादातर वैक्स वगैरह कराते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है। ऑल दो मैंने तो सिर्फ रिव्यू के लिए लिया था कि इसको देखें रिव्यू इसका कैसा आता है, बट अगर आप अगर एक्सपर्ट हो तो मैं अभी आपको वही बोलूँगी, अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हो इन सब चीज़ों में तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं पैसा वेस्ट करने की इस चीज़ पे। तो गाइज़ ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।